नमस्ते किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सुनील सिंह एबीएस इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं ईस्ट इंडिया के लिए, और आज मैं हूं बिहार में, और बिहार में प्रियमदा डेयरी फार्म में, और आज मेरे साथ है अस्तित्व जी। नमस्ते अस्तित्व जी, कैसे हैं आप? सर, और मैं सर आप काफ़ी खुश हुआ कि आपके पास इतनी अच्छी अच्छी ब्रीड की बच्ची आई हैं, और वो भी एबीएस की। तो मैं सर आपको पूछना चाहता हूँ कि आपके पास एबीएस के कौन कौन से एनिमल्स हैं जो बुल की बच्चियाँ आई हैं, और क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है, अगर आप कोई दिखा भी सकते हैं तो वो भी बढ़िया हो जाएगा सर। देखिए, जो इस लाइन में सुनील जी आप तीनों हीफर्स देख रही हैं, फर्स्ट टाइम काऊ देख रहे हैं, फर्स्ट टाइमर्स हैं तीनों, और तीनों एबीएस के स्पाइक सीमन की हैं, जो हमने फर्स्ट साल में ब्रीड किया था इनको। बढ़िया सर। मतलब जब हमने डेयरी शुरू किया तो सबसे पहले हमने एबीएस स्पाइक को ही इस्तेमाल किया था, और एबीएस स्पाइक से हमने तीन रिजल्ट लिए हैं, और ये तीनों सेक्स शॉर्टेड सीमन की बच्चियां हैं। ओके। और इसके अलावा हमने एक हॉटस्टार का वी स्ट्रॉ यूज किया था, जो बच्चिया उधर अभी कुछ दिन पहले वो भी बच्चा दी है। हाँ। वो उस सेक्शन में है। और ये जो है, ये मेरी 28 नंबर बच्चिया है, जिसने अक्टूबर 21 को बच्चा दिया। ओके सर। फीमेल काफ। और इसको ये जो मिल्क पीक यील्ड पकड़ा इसने, ये 28 लीटर 900 ग्राम तक गई थी, और इसने बिहार वेटनरी कॉलेज का जो कैटल कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें भी इसने भाग लिया था, 6ठे या 7वें नंबर पर आई थी। बीइंग अ फर्स्ट टाइमर इसने जो परफॉर्म किया है उसको आप ये कह सकते हैं कि मतलब टॉप नॉच परफॉर्मेंस था। ओके सर। जो ब्रीड के क्वालिटी में सुधार आया है। हाँ। वो मतलब आप जो जेनोमिक सीमन है उसमें हम लोगों को कह सकते हैं कि 70 से 75% जो है बच्चिया जो है अपनी माँ से ऊपर गई है। बढ़िया है। और मिल्क की जहाँ तक बात करते हैं तो इसकी मदर जो है उसने 21 लीटर का टॉप यील्ड बनाया था, जबकि इसने 29 लीटर का टॉप यील्ड बनाया है। मतलब 9 लीटर का आपको डिफरेंस। हाँ। 20 से सीधा सीधा 29 लीटर का टॉप का मिला, 8 लीटर का डिफरेंस मिला, 8 लीटर का डिफरेंस। और जितनी इसकी माँ ने पूरे अपने लैक्टेशन पीरियड में मिल्क किया था 305 डेज में, उसका 95% इसने अभी तक पूरा कर दिया है। मतलब इसकी माँ 21 लीटर का तो टॉप बनाई थी, लेकिन धीरे धीरे 100 दिन के अंदर ही 17 लीटर पर चली आई, जबकि इसको अभी 130 या 135 दिन हो रहे हैं। ओके सर। ये अभी भी 26 साढ़े 26 लीटर दूध मेंटेन कर रही है, और ये 40 दिन की प्रेग्नेंट भी है। ओके, 40 दिन प्रेग्नेंट भी, और तब भी दूध जो है वो दूध नहीं गिरा है, दूध एकदम उसी लेवल पे अभी बना हुआ है, और 140 दिन में इसने लगभग जो है 25 लीटर के एवरेज से इसका मिल्क जो है अभी तक 4000 लीटर के करीब पहुंचने वाला है। 3800 साढ़े 3800 लीटर इससे हमने दूध ले लिया है, अभी इसका हाफ लैक्टेशन पूरा बाकी है। तो मैं और ये एबीएस अर्मडा सेक्स से प्रेग्नेंट है। ओके, तो सर अभी इसका अर्डर स्कोर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसकी मदर से इसने अपने अर्डर को और बहुत अच्छे से सुधारा है। हाँ। हमने लास्ट वीडियो जब हमारी एक हुई थी तब आपको मैंने बताया था इसके ये दोनों जो अर्डर है टीट प्लेसमेंट है जो पीछे वाले वो अंदर की ओर मुड़े हुए हैं। तो इस गाय ने मुझे आज तक मेस्टाइटिस का कोई प्रॉब्लम नहीं दिया है। मैंने इसमें मेस्टाइटिस नहीं फेस किया है, मेट्राइटिस फेस नहीं किया है, और ना ही इसने तेजी से वजन घटाया अपने शुरुआती अर्ली लैक्टेशन में। बढ़िया सर। तो ये मेंटेन हुई है हमारे यहाँ, और प्रेगनेंसी भी इसने बहुत टाइम से कंसीव किया है, तो ये एक अच्छा साइन है किसी भी फार्मर के लिए, अगर उसको प्रेगनेंसी मिल जाए, अच्छा मिल्क मिल जाए, तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती है। इसके अलावा सेकेंड हमारी ये है एबीएस स्पाइक की ही बच्चिया है। ओके सर। ये अभी 6 दिन पहले सुई है, ये इसने भी फीमेल काफ को जन्म दिया है, और ये अभी 23 लीटर पे पहुंची है 7 दिन में। ओके। और एक चीज है कि एबीएस के जो बच्चे होते हैं वो 25-30 दिन पे अपना पीक पकड़ते हैं। जी सर। और उसको फिर वो अगले 100-150 दिन तक मेंटेन करते हैं, वो चीज इसने साबित कर दी है, दिखा दिया। बढ़िया सर। और उसके बाद ये जो है ये अभी जस्ट सुई है, तो हल्का थोड़ा बहुत स्वेलिंग है, दिख सकती है, बाकी कोई भी और प्रॉब्लम खाने वगैरह में इसने, जो गाय ब्याने के बाद खाने की समस्या आती है कि कुछ गाय खाना छोड़ देती हैं कुछ समय के लिए, तो वो इसने खाना भी नहीं छोड़ा है। बढ़िया सर। अब आ जाते हैं ये तीसरी भी, ये भी एबीएस स्पाइक की बचिया है। और ये इसको ब्याह 55-60 दिन हो गया, इसने भी 27 लीटर 700 ग्राम का पीक बनाया है। इसकी मदर ने भी मेरे यहाँ जो पीक बनाया था वो तो 27 लीटर का बनाया था, बट वो थर्ड लैक्टेशन में थी। ओके। और उसने उसके बाद बहुत तेजी से अपना दूध घटाया था, और पूरे लैक्टेशन में उसने 47-70 लीटर ही दूध दिया, तो और उसके वो भी वो 359 दिन में उसने दिया। मतलब और ये जो है इसका एवरेज अभी 25.5 लीटर का अभी तक का आया है, आज इसने 26 लीटर समथिंग 600 या 700 ग्राम मिल्क किया है। बढ़िया। और इसको भी हमने
अभी 5 दिन पहले AI किया है ABS अरमडा के ही सेक्स सीमेन से। बढ़िया। तो अभी सर अभी तक आपने जो सेक्स सीमेन चल रहा है कि बोला जाता है कंसेप्शन, तो अभी तक आपने कितना जो हीफर्स में सेक्स सीमेन यूज किया और क्या रिजल्ट मिला है? देखिए हीफर्स में किसी भी तरीके का सेक्स सीमेन 95-100% रिजल्ट देता है। जो काउ होती है जो हमारे यहाँ क्रॉस ब्रिड, उसमें फेलियर चांसेस बहुत होते हैं और उसमें बहुत सारे रीजन होते हैं फेल होने के। मतलब वो सिर्फ सीमन की ही क्वालिटी नहीं होती कि सीमन के रख रखाव तो एक मायना रखता है, उसके अलावा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, उसके अंदर जो है कौन सा सिस्ट है, यहाँ बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि ल्यूटल सिस्ट है कि उसमें ये दूसरा वाला कौन सा सिस्ट, एक और होता है ना, उन दोनों में से कौन सा सिस्ट है, हीट प्रॉपर है या नहीं है, बॉडी में फास्फोरस मैग्नीशियम का मेंटेनेंस है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें थोड़ा देखने की ज़रूरत है। अगर सारी चीज़ें ओके होती हैं तो हम लोग फर्स्ट टाइमर में भी जो है हीफर, सिर्फ हीफर में नहीं फर्स्ट टाइमर में भी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ फर्स्ट टाइमर अभी 3 को हमने AI किया है और 3 में से 2 को तो 30 दिन से ऊपर हो रहा है, एक ये है इसका भी 10 दिन में अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। बढ़िया सर। तो अभी सर क्या आप फार्मर्स को क्या कहना चाहते हैं एक दो शब्दों में कि किस तरह से ब्रीडिंग हो? देखिए ब्रीडिंग के लिए जो है अच्छे सीमन, जेनोमिक सीमन्स का चयन करें। जी सर। बुल्स को रीड करना उनको आना चाहिए, ABS जिस तरीके से डिटेल दे रही है उस तरीके के डिटेल्स को उनको पढ़ना आना चाहिए। जी सर। ताकि वो अपने सीमन को अच्छे से सेलेक्ट कर सके और मैं ये बात बार बार बोल रहा था कि सिर्फ 500 या 1500 रुपए के सीमन से ही जरूरी नहीं है कि आप ब्रीडिंग करें। बहुत सारे ABS में काफी सारे बुल हैं जो 90-95-105 रुपए में भी होते हैं। जी सर। जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। जी सर। काफी सर धन्यवाद सर आपका कि आपकी मतलब इतना अच्छा बिहार में भी काम हो रहा है ब्रीडिंग पे और ऐसा होता रहेगा तो मुझे लग रहा है कि पूरे पूरे बिहार में सारे के सारी जो गायें हैं वो 30+ ही रहेंगी। जरूर जरूर। धन्यवाद सर। धन्यवाद।